सो हे गाइस, न्यूज बॉय तो फिर हम बात करते कल के मैच के बारे में जो कि हुआ था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडिया ने वो मैच को जीत लिया। वहाँ पे रोहित शर्मा काफी अच्छा खेले ना, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी बनाया, जैसे उनका कल 100 मैच हुआ एज ए कैप्टन, और जो वो कल प्लेयर ऑफ द मैच बने, मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, फास्टेस्ट सेंचुरी बाय इंडियन इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो जैसे कि मैं बताया, मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट अभी रोहित शर्मा के नाम पर है। पहले क्रिस गेल थे ना, उनको उन्होंने क्रॉस कर दिया। तो क्रिस गेल ने रिएक्ट करा है, कांग्रेट्स रोहित शर्मा, मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, #45स्पेशल। 45स्पेशल उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि रोहित शर्मा का जर्सी नंबर जो 45 है, एंड क्रिस गेल का भी 45 था। और रोहित शर्मा को भी जब पूछा गया कि उन्होंने जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा, यूनिवर्स बॉस ही है, ही सच अ सिक्स हिटिंग मशीन, वी बोथ वेयर नंबर 45 जर्सी, सो ही मस्ट बी हैप्पी टू। अच्छा, आपको बता दूंगा, विराट कोहली और नवीन उल हक का कॉन्ट्रोवर्सी जो कि आईपीएल में हुआ था, अभी वो दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। कल वो लोग हक किए ना, उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए नवीन उल हक कहे, विराट कोहली एक बहुत अच्छे प्लेयर है, जो भी फील्ड में हुआ वो फील्ड में ही रहेगा। हम दोनों ने हैंडशेक किया, गले लगाया एंड कहा, लेट्स फिनिश दिस। आपको पता होगा, नवीन उल हक जो एलएसजी के थे, लखनऊ सुपर जायंट, उन्होंने भी रिएक्ट करा इसके ऊपर। वो एक ट्वीट किए थे जहाँ पे लिखा हुआ है, आम कब नहीं खाना चाहिए, तो लखनऊ सुपर जायंट वहाँ पे कैप्शन देते आज। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, कर्नाटक के एक एमएलए प्रदीप ईश्वर के बारे में। तो ये चले गए बिग बॉस कनाडा शो में एज ए कॉन्टेस्टेंट। इसके बाद बता दो, उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और जो यहाँ पे बिग बॉस का बात चल रहा है, तो बात करते UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर का भी जो पिछले कुछ टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो इसके बारे में उन्होंने कहा, आप देखिए, इतने सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बाबू भैया व्लॉग कब, व्लॉग कब, व्लॉग जल्दी आ जाएगा, आ जाएगा व्लॉग गाइस, 4-5 दिनों में, टेंशन ना लो, थोड़ा सबर रखो यार, थोड़ा सा तो सबर रखो। और एक चीज बताऊं, एक ना नया स्लैंग आया दिमाग में, धरती पे कब्जा करना है भरोसे ना। बताओ ये स्लैंग कैसा लगा, वोट डाल रहा हूँ, बताओ धरती पे कब्जा करना है, अब धरती पे कब्जा। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, साइमन सेज के बारे में। तो साइमन सेज मिले एसीबी प्रद्युमन से। यस, एसीबी प्रद्युमन आप लोग जानते होंगे, जो सीआईडी में थे, उन्होंने अभी मिला हुआ फोटो एक पोस्ट किया, एंड ऑल्सो जो बचपन में मिले थे वो भी एक फोटो शेयर की, एंड वो लिखे जुर्म इनकंसिस्टेंसी। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, लक्ष्य चौधरी वर्सेज हर्ष बेनीवाल वर्सेज पूरव झा के बारे में। तो आपको पता होगा, वायरल डांस वीडियो दिल विच तेरे ले, तो तीनों ने भाई रिक्रिएट किया डांस ना। अब ऑफकोर्स मैं वो सॉन्ग तो प्ले नहीं कर सकता, मैं गा लूंगा, आप लोग देख सकते हो उनका डांस ना, एंड बताना किसका सबसे अच्छा हुआ। हाँ, दिल विचो तेरे लई टाइम कड के करता मैं प्रॉमिस मैं लेना आऊंगा। तो बताना यार किसका डांस सबसे अच्छा था ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, आईसो स्पीड के बारे में। तो आईसो स्पीड आ गए इंडिया। यस, अभी वो मुंबई में, वहाँ पे वो एमसी स्टैन से मिले, बता दूं। साथ ही वहाँ पे काफी सारे सैवेज मोमेंट्स वगैरह हुए जो कि मैं दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं, उनको जब पुलिस ने पकड़ा था वहाँ पे, क्योंकि वो जहाँ पे थे ना वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रहा था, तो जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उनका रिएक्शन क्या था आप देखिए। हाँ हाँ सर, बोले क्या मत बोल, जी होगा सर, हम लोग खाली कर रहे हैं, जाने का हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे होटल में। अरे लेकिन सर उधर से सब लोग आ रहे हैं, ये देखो। अरे यार यस प्लीज प्लीज हेल्प, जो भी सैवेज मोमेंट्स वगैरह वहाँ पे हुए थे, थोड़ा सा क्लिप कंपाइल करके दिखाता हूँ, आप देखिए। How much do you want banana? 5 rupees. Huh? 5 rupees. 5 piss. 5 rupees. Oh, 5 rupees. Messi the goat, man. Look at him, bro. Look at him shaking, bro. He's scared. Ronaldo's the goat, bro. What are you talking about, bro? Yeah, but yeah, we all watch on the monkey. Chat, is this viral quality, Grandpa? Matama? Hey, bro, who is this? Who is this? 100 rupees. No, like, who is this person? The president? No, president. This freedom fighter, man. The what? Freedom fighter. India is this freedom fighter, man. Freedom pirate, man? Fighter. Oh, fighter. Oh. Gandhi. Chat, okay. He was in the, Gandhi, chat. Gandhi was fighting a war. Come on.
here, dog. I'm playing like Bob on Awesome right now, bro. Like, come on now. I gotta strike him out? Yeah. Like that? Yes! Yes! Run into it. Hey look, MC, I got a question though, you feel me? I know you're from India and shit, but who better, Virat Kohli or Ronaldo? Nah, for real, bro, real shit, who's better? Come on, man. Virat Kohli or Ronaldo, who's better? Come on, man, stop playing, bro, Virat, bro, always. Who? I love Ronaldo, but you know, Virat, bro, hands up, bro, Virat, you know what I'm saying, bro, I love Virat, I love Dhoni, you know what I'm saying? Dhoni? All right, man, who better? Dhoni. Who better, Dhoni or Virat? Dhoni, bro. Get the f*** out of here, bro. Always, bro. Get the f*** out of here, dog. It's different shit, man. What you mean it's different? It's cricket. It's football, man, it's soccer. I don't give a shit. No, bro. Man, what the f*** are you talking about? Feel, man. What the f***? It's Virat. Bro, you're comparing Virat and f***ing Dhoni to Dhoni, bro? No, man. Bro, what is he saying? तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एल्विस यादव के बारे में। एल्विस यादव के एक फैन ने भाई कनाडा में सिस्टम नंबर प्लेट ले लिया। यस, इसके ऊपर एल्विस यादव रिएक्ट करे, आप देखिए। भाई फैन फॉलोइंग देखो भाई की, कनाडा वाले बंदे ने, मेरे दोस्त ने सिस्टम नंबर प्लेट ले लिया और आपका उसका नाम है मनिंदर सिंह। भाई वाह मनिंदर भाई, यार मौज कर दी भाई, सिस्टम ले लिया भाई सिस्टम। ये चिप से क्या नाम है, अमेरिकन क्रिस्प है, अमेरिकन है। और यहाँ पे बिग बॉस का बात करते हैं, बात करते हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो कौन कौन से कॉन्टेस्टेंट्स आ रहे हैं भाई, अभी कुछ कंफर्म्ड रिपोर्ट्स वगैरह आ रहे हैं ना, जैसे अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन, ऐश्वर्या शर्मा एंड नील भट्ट, ईशा मालविया एंड अभिषेक कुमार, मुनावर फारूकी, यूके 07 राइडर, मन्नाराज चोपड़ा, जिग्ना वोरा, सनी आर्या एके तहलका प्रैंक, मानसवी मंगाए, ऋषि धवन एंड ऐसे और भी कॉन्टेस्टेंट्स का बात चल रहा है, जैसे अरमान मलिक एंड कृतिका या फिर पायल मलिक जो दो बीवी वाले, कनवार ढिलो, एल्विस यादव की एक्स कीर्ति मेहरा, टिकटॉकर फैज बलोच, जय सोनी, संदीप सिक्कन। बता दो अभी दूसरा तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो जन कंफर्म्ड है, ठीक है, एक लाइकली इन टॉप में से है, एक कंफर्म लिस्ट में से है। मैं यूट्यूबर्स का बात कर रहा हूँ, बाकी का तो मुझे पता नहीं है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एमवीए बंटाई के बारे में। एमवीए बंटाई अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, एक पोस्ट शेयर किया था वो, जहां पे लिखा हुआ है टॉप 20 मोस्ट सर्च टॉपिक्स ऑन यूट्यूब इन इंडिया, उसमें एमवीए बंटाई 11 नंबर पर है, बता दूं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो टेक्नो गेमर्स को बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि हमें ओल्ड टेक्नो चाहिए, ओल्ड टेक्नो चाहिए। उन्होंने कहा, आर यू गाइस वेटिंग फॉर ओल्ड टेक्नो, ओल्ड वाज गोल्ड, अभी न्यू टेक्नो के लिए रेडी हो जाओ। तो ऑफ कोर्स उनका कुछ नया आने वाला है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट एसएससी का फर्स्ट एपिसोड आउट हो चुका है, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, 104 साल की लेडी के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज दिया था, आपको पता होगा इनका, इन्होंने स्काई डाइव किया था 104 साल की एज में, 13,500 फीट से उन्होंने स्काई डाइव किया था ना। तो अभी न्यूज आ रही है उनका जो है अभी डेथ हो चुका है। तो यार अभी मैं तो क्या बोल सकता हूँ, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। तो बता दो, कल जो अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे था, तो सचिन तेंदुलकर जी ने काफी यूनिक तरीके से अमिताभ बच्चन जी को विश किया ना, केबीसी स्टाइल में। उन्होंने लिखा, इतने सालों से आपने सबसे सवाल पूछे, आज मैं सबसे सवाल पूछता हूँ आपके लिए, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अमित जी। नीचे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, हु इज अमिताभ बच्चन, ए सुपरस्टार, एन आइकॉन, ए लेजेंड, ऑल ऑफ द अबव। आप लोग अपना आंसर जरूर से कमेंट करके देना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, उर्वशी रौतेला के बारे में। तो उर्वशी रौतेला ना पिछले 1.5 साल से कोई भी इंटरव्यूज वगैरह नहीं दे रही, तो उसके बारे में वो बताई कि वो क्यों नहीं दे रही है। तो रीजन तो यहाँ पे वो नहीं बताई, लेकिन वो कही कि वो नहीं दे रही है 1.5 साल से। उनको बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं इंटरव्यूज के लिए, बट वो नहीं देती। मुझे पता है जो मेरे ऑडियंस वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं एंड जो मीडिया वो भी लेना चाहते हैं, वो काफी डिसअपॉइंट भी हुए होंगे। वो कही, आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, हाउएवर आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट दिस चॉइस इज अ डेलिबरेट वन, एज आई हैव मेड अ कॉन्शियस डिसीजन टू एब्सटेन फ्रॉम गिविंग इंटरव्यूज फॉर सम टाइम, आई होप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन दिस मैटर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मनोज दे के बारे में। तो मनोज ने एक ट्रेन का फोटो पोस्ट किया, ठीक है, जहाँ पे एक लोगो लगा हुआ था जो की, तो उन्होंने कहा, इंडियन रेलवे में साइट का प्रमोशन चल रहा है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में, और हम जैसे यूट्यूबर प्रमोट करे तो ऑडियंस बोलेगा पैसा खाया और यूट्यूब स्ट्राइक दे देगा। भाई मैंने यूट्यूब पर भी काफी सारे एड्स देखे जहाँ पे यूट्यूब खुद एप्स को प्रमोट करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, बट यूट्यूबर्स को जो स्ट्राइक पड़ जाता है भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट ने भाई शाहरुख खान के साथ एड किया, अब कौन सा क्या एड है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन वो क्लिप छोटा सा आप देखिए। वेलकम टू माय होम।
आप देख सकते हो सेम टू सेम मिथपैट जैसे ये वो मिथपैट ने भी इसके ऊपर रिएक्ट करा, आप देखिए। थैंक यू सो मच, तुम लोग के वजह से आज मेरा एक सपना सच हो गया है, शाहरुख खान के साथ मैंने ऐड किया है, शाहरुख खान। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, 20 साल की लड़की के बारे में, यानी उस बता दूं यूपी से है, ठीक है। तो इस 20 साल की लड़की को जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि उसने अपने ही दो बहनों को मार दिया। अब उसने क्यों मारा? क्योंकि वो दोनों बहनों ने ना, ये जो लड़की थी अपने पार्टनर के साथ थी, तो उन्होंने देख लिया वो दो बहनों ने, तो इसलिए उसने मार दिया। अभी वो बंदी अरेस्ट हो चुकी है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, मुकेश अंबानी जी के बारे में। तो उन्होंने फिर से ओवरटेक कर दिया गौतम अदानी को एंड बन गए इंडिया रिचेस्ट पर्सन। अभी उनका कितना नेटवर्थ है पता है? 8,08,700 करोड़। गौतम अदानी सेकंड नंबर पर है, उनका वेल्थ है अभी 4,74,800 करोड़ रुपीस। एंड तीसरे नंबर पर है साइरस पूनावाला एंड चौथे नंबर पर है शिव नादर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, 16 साल की लड़की के बारे में। तो 16 साल की एक इंडियन लड़की ने ना क्या किया, एक AI कंपनी लॉन्च किया था 2022 में। तो अभी उसने जो फंड रेज किया, ठीक है, एट अ वैल्यूएशन ऑफ 100 करोड़ रुपीस। कमाल है भाई, एक 16 साल की लड़की ने। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार का न्यू फिल्म आपको पता होगा, मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। पहले इसका नाम था मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडिया रेस्क्यू। तो उन्होंने नेम चेंज के ऊपर रिएक्ट करा है। उन्होंने कहा, जब मैंने देखा लोग भारत के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने उसका नेम चेंज कर दिया, मेरे लिए इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सब सेम है। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।